मेरे नवीद पर रहम फरमा दे, उसको सेहत दे और हिदायत दे मेरे मालिक। मुबारक हो अम्मा, तुम्हारी बद्दुआएं लग गई हैं मेरे बेटे को, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं क्यों बद्दुआएं दूंगी उसे, वो मेरे बेटे की औलाद है, और कोई माँ भी अपने बेटे को बद्दुआएं देती है? तुम जैसी माँ से तो अल्लाह ही बचाए, पता है मुझे किस तरह हाथ उठा उठा के बद्दुआएं देती रही हो तुम हमें। अगर अपना समझती होती तो इस तरह बद्दुआएं देती? अरे वो तुम्हें समझाने के लिए कहती हूँ। खुदा जाने किस किस की बद्दुआएं लगी। उस दिन नजमा और उसकी बहन आए थे, कितना कोस रहे थे तुम, और वो मासूम जरका किस तरह मारती हो तुम उसे। अपने गुनाहों को भी मत भूलो। बस कर दो अम्मा, हर वक्त हमें हमारे गुनाह मत गिनवाया करो। खुदाई फौज की ठेकेदार लगी हुई हो ना तुम। मेरे मुंह ना लगना, मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा है और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो भी तुम्हारे ही गुनाहों की सजा। हाँ हाँ, तुम तो बहुत नेक और पाकबाज हो ना, हम ही है जहन्नुमी दोजखी सारे। अल्लाह पूछे तुमसे। या अल्लाह, सच कहता है, जिनके दिलों पर पर्दे पड़ जाएं, ना उनके कान सुनते हैं ना आंखें देखती हैं, उनके दिल पर किसी बात का असर भी नहीं होता। या अल्लाह तो वो पर्दे हटा दे। अल्लाह रहम फरमा। बाप मुझसे नाराज है। किसने कहा मैं नाराज? फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? जो कहने के लिए कुछ ना बचे, खामोशी बेहतर होती। मैं जानता हूँ, लेकिन वो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, तुम कब तक खुश रहोगे सिसी की फिक्र है मुझे। आप घर को देख के जल्दी वापस आ जाओ। नहीं बेटा, तुम अपना घर संभालो, मैं नहीं आऊंगी। तो आप क्या कह रही? जो मैं देख रही हूँ काश तुम्हें दिखाई देता। समा, आप अनम के बारे में बदगुमान ना। क्या तुमने अपनी माँ को किसी के बारे में गलत कहते हुए सुना? लेकिन बेटा, ये कहूंगी कि औरत अगर बेवकूफी करे तो मर्द को अकल और समझदारी के साथ वहीं उसे लगाम डालनी चाहिए, वरना घर घर नहीं बनता। रहीम यार खान जाने के लिए गाड़ी अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। मुसाफिर से गुजारिश है कि अपने सामान के साथ आ जाए।